सीबीएसई ने बेसिक मैथमेटिक्स से 10th पास कर चुके स्टूडेंट्स को मौका दिया है। क्या मौका दिया है? विदाउट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन वो 11th में मैथमेटिक्स ले सकते हैं, बिना कंपार्टमेंट परीक्षा 11वीं में गणित ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने सीबीएसई 10th में बेसिक मैथमेटिक्स लिया था, वो बच्चे अब 11th में डायरेक्ट बिना कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स ले सकते हैं। सीबीएसई ने 11th में मैथमेटिक्स को लेकर बड़ा फैसला किया है। इस साल बेसिक मैथ्स लेकर 10th पास करने वाले स्टूडेंट्स को बिना कंपार्टमेंट परीक्षा दिए 11th में मैथमेटिक्स लेने की अनुमति दे दी है। सीबीएसई ने 2019 से 10th में दो तरह की मैथमेटिक्स की किताब चलाई थी, एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और दूसरा मैथमेटिक्स बेसिक। स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक में से कोई एक ही सब्जेक्ट लेना था। स्टूडेंट्स अगर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेकर 10th पास करते थे तो वो बिना किसी एग्ज़ाम के ही 11th में मैथमेटिक्स ले सकते थे एज अ सब्जेक्ट। लेकिन जो बच्चे बेसिक मैथ्स लेकर 10th पास करते थे वो 11th में मैथमेटिक्स नहीं ले सकते थे बिना कंपार्टमेंट परीक्षा दिए। सीबीएसई के नए नियम के मुताबिक बेसिक मैथमेटिक्स लेकर 10th पास करने वाले स्टूडेंट्स को 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल सकता था, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ता है और इसमें पास होने पर स्टूडेंट्स 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। सीबीएसई ने देश में कोरोना वायरस के उपजे हालातों को देखते हुए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कराने में हो रही देरी को मद्देनज़र यह फैसला लिया है। इसके तहत इस साल 10th पास करने वाले स्टूडेंट्स को इस फैसले का लाभ मिल सकता है। सीबीएसई के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सीबीएसई की ओर से यह सुविधा केवल इसी वर्ष दी जाएगी। सीबीएसई ने जहां बेसिक मैथमेटिक्स लेकर 10th पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस बार 11th में मैथमेटिक्स लेने के लिए नियम बदले हैं, साथ ही यह भी क्लियर किया है कि जिन स्टूडेंट्स ने 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के साथ पास किया है वह आगे इस सब्जेक्ट के साथ बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चुनाव की जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के प्रमुखों को दी है। सीबीएसई ने स्कूल प्रिंसिपल और प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कौन सा छात्र 11th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना चाहता है और किन छात्रों में योग्यता व क्षमता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही न्यूज़ मिलता रहे।